कुमान को उस वक्त लोग रूपमती के नाम से जानते थे। चांदनी बाजार की सबसे मशहूर डांसर थी। गुजरात के कोने कोने से लोग उसका डांस देखने आते थे, बड़े बड़े सेठ। और गुमान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और फिर एक दिन लक्ष्मी नंदन का एक दोस्त लक्ष्मी नंदन को जबरदस्ती गुमान का डांस दिखाने ले आया। मुझे आज भी वो शाम याद है। गुमान की हर एक अदा सिर्फ लक्ष्मी नंदन के लिए थी, लेकिन लक्ष्मी नंदन ने एक बार भी आंख उठाकर गुमान की तरफ नहीं देखा। और उस दिन गुमान का घमंड चूर हो गया। गुमान का घमंड किसी पैसे वाले की इज्जतदार पत्नी बनने का सपना लक्ष्मी नंदन पे आके रुक गया। कभी गुमान लक्ष्मी नंदन के ऑफिस पहुंच जाती तो कभी उनके दोस्तों से मिलने की जगह पर। धीरे धीरे गुमान ये जानने लगी थी कि लक्ष्मी नंदन अपनी पत्नी के साथ और अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है। उन्हें गुमान की तरफ मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं है। सरस्वती मां बनने वाली थी और ये बात जानकर गुमान सर से पांव तक जल गई। कुछ भी करके उसने 6 महीने तक अपने आप को काबू में रखा। लेकिन जिस दिन कबीर का जन्म हुआ उस दिन गुमान का कोई और ही रूप दिखा। औरत का वो भयानक रूप जिसे देखकर जो भी कांप उठे। समझ लीजिए कि ये बच्चा कभी था ही नहीं। लीजिए दैमा, ये पैसा ले लीजिए और पर ये बच्चा मुझे दे दीजिए। गुमान ने साजिश ही ऐसी की थी। लक्ष्मी नंदन को लगने लगा था कि सरस्वती की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सरस्वती भी ये मानने लगी थी। और फिर लक्ष्मी नंदन की बेरुखी की वजह से सरस्वती टूटती गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होनी भी बंद हो गई और गुमान को लक्ष्मी नंदन के करीब जाने का मौका मिल गया। लक्ष्मी नंदन को सहारा देने का नाटक करते करते गुमान कब उनमें जहर भरने लगी कि लक्ष्मी नंदन को पता ही नहीं चला। पर शायद सरस्वती ये बात जान चुकी थी। उसके लिए तो उसका परिवार और उसका पति ही सब कुछ था, फिर किसके लिए जीती वो। और एक दिन सरस्वती ने आत्महत्या कर ली। और जब कबीर ये सब कुछ समझने के लायक हो गया, मैंने उसे सब सच बता दिया। अपनी मां की मौत का बदला लेने आया है कबीर यहां। अपनी मां की मौत के बदले गुमान को मौत देने आया है कबीर यहां। इसलिए वो गुमान को अपने साथ यूके लेके जा रहा है। अब तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया सर। प्लीज प्लीज मेरे कबीर को बचा लो। उसे कुछ नहीं होगा। आपसे सच उगलवाने के लिए हमने आपसे ये झूठ कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई अपने हाथ गुमान के गंदे खून से रंगे। अनवेलेबल आ रहा है।
कितने बजे की फ्लाइट थी उसकी? अभी तो बोर्ड कर रहे होंगे वो लोग। आपने कबीर को पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो ऐसा कैसे कर सकती हैं उसके साथ? अपनी बहन से बदला लेने के लिए कितना गिर गई हैं? आपका पासपोर्ट, चलो एयरपोर्ट चलते हैं। अपना ये एक मकसद पूरा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा ली। कुमान, हमेशा तुमने मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा, अब मेरी बारी है। आज मैं तुमसे मात नहीं खा सकती कुमान, कभी। अब तुम नहीं रुक सकते, चाहे खूनी बनकर ही सही, पर तुम्हें गुमान को खत्म करना होगा। मैं चेक करूं? तुम सुबह वहीं थे ना? जी, आपके पति का मेरी ही कार से एक्सीडेंट हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। वैसे लाल रंग बहुत सूट करता है आप पे। अगर मैं डैनी को सरस से छीन कर आपको दे दूं, तो अगर आपका बेटा सिर्फ आपको अपना मान के सरस को पराया मानने लगे, तो वैसे आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना? ये आपके लिए। बहुत सपने दिखाए तुमने कबीर, हर एक का बदला मिलेगा, वो भी दुगना। का खूनी बनकर नहीं जिएगा मेरे भाई, मैं फिर से उसे नहीं खो सकता। मुझे कुछ भी करके कबीर को रोकना होगा। सर संभाल के, हेलो हेलो, आप मुझे बता सकते हैं कि लंदन के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट कौन सी है? मैडम, एक फ्लाइट थी जो जा चुकी है, नेक्स्ट फ्लाइट 8 घंटे बाद चली गई। ये तो वहां की गाड़ी।